वेलकम टू यूपीएससी लाइव। हम लोग जो है सोशियोलॉजी ऑप्शन को कवर कर रहे हैं और हमने जो है यूनिट 3 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट से कौन कौन सी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जिन्हें हमें जो है आंसर राइटिंग के रूप में प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल में स्कोर करने का सबसे बड़ा स्तंभ होता है तो वह होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल में हमने बता के रखा था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी होते हैं, तो उस बात को ध्यान में रखकर जो है मैं उन सभी प्रश्नों का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं। तो यहां पर है आपको टिप्पणी करनी है। पहली टिप्पणी आपको स्रोत प्रारूप पर करनी है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। दूसरी टिप्पणी आपको जो करनी है गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धतियों में अंतर से रिलेटेड। तीसरा अवलोकन जो मैंने तथ्य संग्रहण की तकनीक के अंतर्गत बताया था। चौथा आपको करना है साक्षात्कार। फिर पांचवा आपको करना है प्रश्नावली। छठा आपको करना है अनुसूची, ठीक है। सातवा हमने जो है प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर, अनुसूची में अंतर। फिर आठवा है परिवृत्त और नौवा है उपकल्पना। इन सभी पर जो है आपको टिप्पणी करनी है। मैंने जो है इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाया है, विद एग्जांपल समझाया है, और अब आपको जो आंसर राइटिंग है वो 150 शब्दों में करनी है। ये प्रश्न मेरी तरफ से नहीं बनाए गए हैं, ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपसे यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए उसे पूरा करना है। ये प्रश्न जो है आपको 8 से 9 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस डालनी है। और ये जो प्रश्न है, अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपकी जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी पर भी, तो समझ जाइए कि यूनिट 3 आपकी कंप्लीट नहीं है। और कल से जो है हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर सभी पश्चिमी समाज शास्त्रीय चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे। 6 चिंतक हैं, उन चिंतकों की जो भी थ्योरी है, जो भी सिद्धांत है वो हम लोग पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स कल से शुरू हो रहे हैं और उनकी टोटल 4 थ्योरी है जिन्हें हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और करेंगे। तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आप पूरी ईमानदारी से लिखें और ग्रुप पर भेजें, ताकि जो है हम लोग पूरी ईमानदारी से इस ऑप्शनल को तैयार कर सके और जो टारगेट है 325 प्लस मार्क्स का वो जो है हम लोग अचीव कर सके। तो आप लोग जो है पूरी तरह से तैयार हो जाइए अगले यूनिट के लिए। मिलेंगे हम लोग जल्द ही। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।